हम प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए नहीं आए, हम प्रधानमंत्री के ओजस्वी भाषण को सुनने के लिए आए हैं। राज भी देखा, राजा भी देखे, देखे पीएम बरसों, लेकिन जब से तुम आए सबके मन में फूली सरसों, सबके मन में फूली सरसों। देश विदेश में फंसे भारतीय तुमने आन छुड़ाए, देश विदेश में फंसे भारतीय तुमने आन छुड़ाए। अपने हो या देश पर आए सबको गले लगाए, हो मोदी सब तो झुक गए तेरे मान में, जाने उनको खबर कब होगी, जाने उनको खबर कब होगी। दर्शन नहीं हुए तो क्या हुआ, आवाज सुनी है, पर आपकी बार मोदी सरकार। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री, अभी वो बच्चे हैं, उन्हें इतनी समझ नहीं है राजनीति, वो पप्पू ही रहेंगे। मैं तो जानती नहीं कि राहुल गांधी कौन है, मैंने आज तक देखा ही नहीं उन्हें, हमने आज तक देखा ही नहीं। उत्तराखंड में पूरी 100% और उसमें 1+ करके सीट बीजेपी को जाएंगी। हमारा मोदी भगवान है, भगवान की बार मातृशक्ति, मातृशक्ति। मैम रैली में आई है प्रधानमंत्री को देखने के लिए, सुन लिया प्रधानमंत्री? हम प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए नहीं आए, हम प्रधानमंत्री के ओजस्वी भाषण को सुनने के लिए आए हैं। राज भी देखा, राजा भी देखे, देखे पीएम बरसों, लेकिन जब से तुम आए सबके मन में फूली सरसों, सबके मन में फूली सरसों। देश विदेश में फंसे भारतीय तुमने आन छुड़ाए, देश विदेश में फंसे भारतीय तुमने आन छुड़ाए। अपने हो या देश पर आए सबको गले लगाए, हो मोदी सब तो झुक गए तेरे मान में, जाने उनको खबर कब होगी, जाने उनको खबर कब होगी। आपको लगता है कि विपक्ष को खबर नहीं है इस चीज की? बुरा ना हो कभी किसी का ऐसे हो महादानी, बुरा ना हो कभी किसी का ऐसे हो महादानी। बड़े बड़े योद्धा भी आपके सम्मुख भरे पानी, आपके सम्मुख भरे पानी। हो मोदी सब तो झुक गए तेरे मान में, जाने उनको खबर कब होगी, जाने उनको खबर कब होगी। मैं, मुझे गर्व है कि मैं मोदी परिवार का सदस्य हूँ, मुझे गर्व है अपने देश के ऐसे प्रधानमंत्री पे, ऐसे प्रधानमंत्री को मैं बार बार नमन करती हूँ। उनके अंदर ना कोई लोभ है ना कोई लालच है, अगर उन्होंने काले धन को हटाया है, अगर उन्होंने बेरोजगारी हटाई है, अगर उन्होंने देश में उल्टे सीधे काम हटाए हैं, तो ऐसा तानाशाह हमें मंजूर है। तो तानाशाह आपको मंजूर है, आप ये कह रही हैं कि अगर ये आरोप प्रधानमंत्री पर लगते हैं, ये अगर देश में गद्दारी को हटा रहे हैं, अगर देश में लोगों का भलाई के लिए, गरीबों की जनता के लिए, अगर वो इस टाइप का लोगों पे उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है, तो ऐसा हमारे परिवार का जो हमारे पिता समान है वो हमें मंजूर है। राहुल गांधी के बारे में भी कुछ बता दीजिए, क्या ऐसे लगते हैं? मैं तो जानती नहीं कि राहुल गांधी कौन है, मैंने आज तक देखा ही नहीं उन्हें, हमने आज तक देखा ही नहीं। बताइए प्रधानमंत्री का विकल्प कोई देखती है? प्रधानमंत्री का विकल्प कोई देखती है देश में? प्रधानमंत्री का विकल्प कोई है? वो नमो है, ना से नमः शिवाय, वो शिव जी का शिवांश है, अंश है, जो इस धरती का उद्धार करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें उतारा है और वो उद्धार कर रहे हैं। बताइए उत्तराखंड में कितनी सीटें जो हैं वो बीजेपी जीत रही है? उत्तराखंड में पूरी 100% और उसमें 1+ करके सीट बीजेपी को जाएंगी। तो 100% बीजेपी जीत रही है? हाँ जी। अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो कैसे सत्ता चलेगी? विपक्ष चाहिए भी नहीं हमें, विपक्ष तो गद्दार है। विपक्ष तो गद्दार है, विपक्ष रहेगा ही नहीं। अब की बार 400 पार, चारों तरफ मोदी सरकार और ये हमारा सारा परिवार। नहीं, पर आवाज सुन ली काफी है। अच्छा काफी है, आवाज सुन ली है, इतनी खुश हो रही है। हाँ जी, तो एक बार फिर प्रधानमंत्री उन्हें बना रही हैं जी। भीड़ काफी ज्यादा है अंदर जी, दर्शन नहीं हुए तो क्या हुआ, आवाज सुनी है, पर आपके बार मोदी सरकार। क्यों क्यों जी, क्यों मोदी सरकार? आज तक ना मैंने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा, 48 ईयर्स की हो, ठीक है, जो मोदी सरकार ने किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। मुझे बस यह है कि मैं मोदी जी पे प्राउड करती हूँ, मेरा पूरा भारत प्राउड करता है, मेरे पूरे भारत की जनता प्राउड करती है। बताइए राम मंदिर से प्रभावित है, धारा 370 से प्रभावित है, सब चीजों से मोदी जी ने जो किया है कश्मीर, जिसके लिए हम अब तक सिर्फ सुनते थे कि कश्मीर हमारा नहीं है, पर अब हम कहते हैं कश्मीर हमारा है, वहाँ हम अपनी जमीन लेके मकान बना सकते हैं। जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है वो वहाँ जाके अब रह सकते हैं, वो अपनी जमीन पर जा सकते हैं, जैसे हम उत्तराखंड में अपनी जमीन में रह रहे हैं। तो ये बताइए कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना रहे हैं? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री, अभी वो बच्चे हैं, उन्हें इतनी समझ नहीं है राजनीति की। 50 साल से ऊपर हो गए आपके बच्चे हैं, वो पप्पू ही रहेंगे।
पप्पू वो मेरा वोट है। हाँ, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। उनके परिवार ने 60 साल राज किया, 60 साल राज किया है, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। कोरोना काल में जो मोदी जी ने विदेशों में हमारा कोविड का टीकाकरण करवाया, भेजा, उससे हमें पता चला। विदेशों में देख लो, एक झंडा लगने से, भारत का झंडा लगने से कोई भी विदेशी को हमको टच नहीं करते, चाहे अपना अफगानिस्तान हो, भी हो। लेकिन एक इज्जत जो भारत की विश्व में बनी है। उत्तराखंड वालों से एक सवाल है कि यहाँ से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं, योगी आदित्यनाथ। चलो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो हैं ही पुष्कर सिंह धामी, क्या कर रहे हैं आप? जब भी हमारे हम मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, आने वाले टाइम में योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे, पूरा उत्तराखंड देखना चाहेगा। तो प्रधानमंत्री के रूप में उत्तराखंड भी देखना चाहता है योगी आदित्यनाथ को। तो चलिए कुछ और। हमारा मोदी जिंदाबाद, हमारा मोदी जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। राहुल गांधी जी से एक मनोरंजन का बैंक बन चुके हैं मनोरंजन। हमारा मोदी भगवान है, भगवान। हाँ, मुख्य, अरे वो तो बेकार, उसका तो नाम भी मुंह गंदा होता है, नाम भी लेकर। मातृशक्ति की बात कर रही हैं आप, महिलाओं को कितनी सुरक्षा बेहतर हुई है मोदी सरकार? बहुत ज्यादा सुरक्षा, कोई सरकार में सुरक्षा नहीं थी महिलाओं की। आज कभी भी कहीं भी, आज मैं भी नारा लगा रही हूँ खुलकर, मातृशक्ति का जो नारा लग रहा है, कारण यही है मोदी सरकार। अच्छा बताइए कि मातृशक्ति का जो अपमान कांग्रेस पार्टी करती है, क्या उसका ही खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है कि इतना जन सैलाब मोदी की रैली में उमड़ रहा है? मुझे ऐसा लगता था क्या उनकी पार्टी में, कांग्रेस की पार्टी में, कांग्रेस में महिला शक्ति नहीं है क्या? तो उनको सोचना चाहिए ना, उनको सोचना चाहिए ना। अगर वो इज्जत करते हैं तो उनके भी यहाँ होती। आज मोदी सरकार में है महिलाएं, और मोदी सरकार की देन है जो मोदी सरकार में महिलाएं हैं। आज आज प्रधानमंत्री को भरोसा दिला दिया है कि 5 सीटें उनके खाते में आ रहे हैं लोग। बिल्कुल, 5 की 5 सीटें। अच्छा, विधानसभा में देखा है कि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर होती है, लेकिन लोकसभा में क्या तस्वीर होगी? मुझे तो लगता नहीं कि बीजेपी से कोई टक्कर होती है, एक तरफा है, एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा। मुख्यमंत्री के बारे में क्या विचार है आपके, पुष्कर सिंह धामी जी के बारे में? पुष्पर सिंह धामी बहुत अच्छे हैं और अच्छा काम किया है, और हम भी मिले हैं पुष्पर सिंह। यूसीसी जो लागू हुआ है, कितना बड़ा कदम मानती हैं कि उत्तराखंड में जो है जन समर्थन मिलेगा? यूसीसी बहुत जरूरी था, और उत्तराखंड के लिए तो मैं तो मानती हूँ बहुत अच्छा काम किया है यूसीसी लाकर, और मैं तो कहूँगा बहुत अच्छा। कांग्रेस ने विरोध किया यूसीसी का? कांग्रेस विरोध करती है, करती रहने दो उन्हें, वे करती रहेंगे, हम चलते रहेंगे, वे रोकते रहेंगे, हम चलते रहेंगे, जितना वो रोकेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। देखिए, कांग्रेस योगी आदित्यनाथ जी के बारे में क्या ख्याल है? उत्तराखंड से ही है लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है त्रिविंदर रावत जी, योगी जी तो यूपी के आजकल महान संत की तरह एकदम सबको लेके चल रहे हैं, सबको लेके चल रहे हैं। बोल्डेजर एक्शन लेते हैं, हाँ? जो एक्शन लेते हैं माफिया सर, बहुत बढ़िया एक्शन है। ऐसे ही 2-4 योगी आ जाएंगे ना तो पूरा देश एक हो जाएगा, फिर कोई ना विपक्ष और पक्ष कोई नहीं रहेगा। और मुझे तो लगता देखिए आपका ऐसा ही होने वाला है, ऐसा ही होने वाला है।